मैं अशोक श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे, सच्चाई यह है कि उसका अर्थ जानने से आज काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका मर्म जानने से काम चलेगा। आज का जो विषय है वो ऐसा है जिसके शाब्दिक अर्थ अर्थ से वो भावना नहीं उत्पन्न हो सकती है जो हम करना चाहते हैं, इसलिए उसका मर्म जानना पड़ेगा आज। और वो विषय है समर्पण। बेशक उसके शाब्दिक अर्थ से काम नहीं चलेगा, लेकिन शाब्दिक अर्थ से ही शुरुआत करते। समर्पण को अगर संधि विच्छेद किया जाए तो उसका अर्थ है सम जमा अर्पण, और सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, और अर्पण का अर्थ होता है देना, अर्पित कर देना, यानी कि अच्छे तरह से देना। समर्पण मींस अच्छी तरह से देना, अच्छी तरह से देना मींस सर्वस्व देना, सर्वस्व देना मींस कुछ भी ना बचे ऐसे देना। जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं ना, इस काम को अच्छी तरह से कर ले, ये पढ़ाई अच्छी तरह से कर ले, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि संपूर्ण जो तेरे पास शक्ति है उसे सब लगा के कर ले, यानी कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो समर्पण का शाब्दिक अर्थ है कि आपके पास जो कुछ है वो सब दे दो, वो ही समर्पण। आपने सुना होगा कि समर्पण से कभी कभी एक शब्द आता है आत्मसमर्पण, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जब भारतवर्ष ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया तो करीब 92,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। मैं आपको शब्द की गहराई तक ले जाना चाहता हूं। तो जब हमने सुना और हमने जाना कि पाकिस्तान के 92,000 सैनिकों ने समर्पण किया भारतवर्ष के सामने, या आत्मसमर्पण किया, तो आपके मन में क्या भाव आ रहा होगा? अर्थात सैनिक के पास जो भी था वो सब देना पड़ा उसे। क्या था सैनिक के पास? क्या होता है सैनिक के पास? मनोबल होता है सबसे महत्वपूर्ण, लड़ने की ताकत होती है, उसके पास हथियार होते हैं, उसके पास गोला बारूद होता है, उसके पास अपने देश को जिताने का जुनून होता है। सब कुछ समर्पण किया उसने, हथियार झुका के, गर्दन झुका के, यानी के मन का ही समर्पण नहीं किया, तन का भी समर्पण किया, हथियार भी जो थे उसके पास दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, इसीलिए तो शायद उसे आत्मसमर्पण कहते। मैं जस्ट एक उदाहरण देके आपको ये बताना चाहता था कि समर्पण से आत्मसमर्पण तक जब हम पहुंचते हैं तो आत्मसमर्पण का मतलब है, सच बात तो है कि हमने आत्मा का भी समर्पण कर दिया, यानी कि जो मान था, जो सम्मान था, उसका भी समर्पण कर दिया। और जहां तक समर्पण का मसला है, उसमें एक महत्वपूर्ण बात है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जो छोड़ना पड़ता है, और वो तत्व है अहंकार। अगर मनुष्य समर्पण करना चाहता है तो निश्चित रूप से उसे अपना अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार अगर अंश मात्र भी रह गया तो फिर समर्पण नहीं करना, वो समर्पण नहीं माना जाएगा।
वो समर्पण नहीं हो सकता। एक छोटी सी कहानी हो सकता है कि काल्पनिक हो, लेकिन मैं छोटा उस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करके इस बात को स्थापित करना चाहता हूं कि समर्पण के साथ क्या भाव होना चाहिए। एक बार कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी खाना परोस रही थी और पंखा झल रही थी। पुराने जमाने में जब पत्नियां भोजन खिलाती थी तो पंखा भी झलती थी, क्योंकि भोजन भोजन नहीं है। सच बात तो यह है कि वो पत्नी या माँ का संपूर्ण प्रेम है भोजन में, तो उसमें कोई कमी ना रह जाए, इसलिए पत्नी भोजन ही नहीं परोसती थी बल्कि पंखा भी झलती थी कि वो आराम से भोजन कर सके या अपना स्नेह प्रकट कर सके। और जब वो भोजन खा रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे कृष्ण, रुक्मणी पंखा झल रही थी, तो वो अचानक उठे और गेट की तरफ भागने लगे बिना कुछ बताए। रुक्मणी हक्की बक्की रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ, कृष्ण एकदम उठे और ऐसे कैसे भाग लिए। और फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि कृष्ण वापिस भी आ गए, आके फिर भोजन शुरू कर दिए। रुक्मणी ने पूछा कि क्या मसला था, आप अचानक उठे और एकदम गेट की तरफ भागे और फिर थोड़ी ही देर में वापस भी आ गए, गेट से पार भी नहीं हुए, गेट तक पहुंचे ही थे कि फिर वापस भी आ गए, ऐसा क्या मसला था? तो कृष्ण ने कहा कि मेरे एक भक्त को कुछ लोग मार रहे थे और वो केवल मुझे ही पुकार रहा था, कोई विरोध नहीं कर रहा था, केवल उसने मुझे पुकार, उसकी पुकार मेरे तक आ पहुंची और मैं तुरंत भागा उसे बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं भागा वैसे ही उसने ईंट उठा ली, उसने लाठी उठा ली विरोध के लिए, और जैसे उसने लाठी उठाई, जैसे ही उसने ईंट उठाई मारने के लिए, उन्हें हंकार जाग गया, उसमें अहंकार जाग गया अपने अस्तित्व का, मैं भी कुछ हूं। जब तक कुछ भी नहीं था, संपूर्ण समर्पण था, तो मेरा दायित्व तो था, मेरा फर्ज था, मेरा कर्तव्य था कि मैं उसे बचाऊं। लेकिन जैसे ही उसने स्वयं पे भरोसा किया, कहीं ना कहीं स्वयं होने का अहंकार पैदा हो गया, या मैंने ये महसूस किया कि अब तो वो समर्थ है, अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए तैयार हो गया, मेरी आवश्यकता क्या है, तो मैं गेट से वापस चला आया। मैं जस्ट एक उदाहरण देके ये कहानी छोटी सी सुना के ये भाव उत्पन्न करना चाहता हूं कि समर्पण मीन्स संपूर्ण समर्पण, कुछ भी नहीं बचा है, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ जो मेरे पास था वो सब तेरे चरणों में समर्पित। आध्यात्मिकता में तो ऐसा ही कहा गया है, आज तक जो मेरा अध्ययन है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वो सब में यही है आध्यात्मिकता में कि जो भी आपके पास है वो सब हे ईश्वर तेरे चरणों में, हे प्रकृति तेरे चरणों में है, समष्टि तेरे चरणों में। और वास्तविकता तो यह है कि केवल अहम जो व्यक्ति का है, जो होने का उसका एहसास है कि मैं भी कुछ हूं, उसे ही वो चरणों में समर्पित नहीं करता, बल्कि असली समर्पण तो ये है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत निरीह है, बहुत असहाय है, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो भी समर्पण कर सकता है। कई बार हम कहते हैं कि जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो क्या समर्पण करे, कभी कभी मैं भी कहता हूं कि समर्पण करने के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में
दूसरी बात, कोई व्यक्ति बहुत विपंग है, अपंग है, कोई व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, बहुत निरी है, बहुत असहाय है, बीमार है, वो भी ईश्वर को समर्पण कर सकता है, वो भी प्रकृति को समर्पण कर सकता है, वो भी समष्टि की शरण में जा सकता है, ईश्वर उसे भी स्वीकार करता है, प्रकृति उसे भी स्वीकार करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल अहम का नाश करके व्यक्ति अगर किसी के चरणों में जा रहा है, किसी की शरण में जा रहा है, वो ही समर्पण है। नहीं, समर्पण उसका भी है जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई अहम नहीं है, बहुत निसाय है, बहुत असहाय है, वो भी अगर समर्पण करना चाहता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में वो भी समर्पण कर सकता है। इसका एक और भी उदाहरण, मैं एक जीता जागता उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ लोग आपने देखे होंगे नदी में बिना हाथ पैर चलाए वो तैरते रहते नदी की धारा के साथ, नदी के प्रवाह के साथ वो ऐसे ही तैरते रहते। उनसे जब पूछा जाता है आप ऐसे कैसे तैर लेते हो, तो कहते हैं कि मैं मुर्दा आसन में चला जाता हूं, क्योंकि अगर आपको जानकारी हो तो नदी जिंदे व्यक्ति को ही डबोती है, मुर्दे को नहीं डबोती, मुर्दे को तैरा देती है, मुर्दा तैर जाता है नदी में और जिंदा डूब जाता है। जिंदे में जिंदा होने का एहसास जब तक है जब तक नदी उसे डबो लेती, लेकिन कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण समर्पण कर दे, यानी कि सब कुछ सौंप दे नदी को, मुर्दे की तरह हो जाए, सब कुछ तेरे हाथ में, सब कुछ तुझे समर्पण, तो नदी उसे भी तैरा देती, उसे भी पार लगा देती। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये कहा जाता है कि आपके पास जो है वो सब आपको समर्पण, कुछ भी नहीं, अहम है तो भी, नहीं अहम है तो भी, जो भी आपके पास है वो सब आपको दे। लेकिन आज हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहे, हमने शुरुआत इसलिए की और उदाहरण इसलिए दिए, सब सुनाया बताया आपको इसलिए कि आप समर्पण का जो मर्म है उसे समझ सके, समर्पण का जो भाव है उसे आप स्वीकार कर सके। सामाजिक क्षेत्र में फिर समर्पण का क्या, सामाजिक क्षेत्र में समर्पण का एक विशेष भाव के साथ में स्थापित करना चाहता हूं। सामाजिक क्षेत्र में समर्पण वो है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी सामने, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो समूह हो, चाहे वो देश हो, कोई भी हो, अगर उसके सामने सहज और सरल भाव से प्रस्तुत होता है तो दूसरा व्यक्ति उसे वैसे ही स्वीकार करने के लिए बाध होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति सहज और सरल भाव के साथ किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होता है तो दूसरे व्यक्ति की बाध्यता है कि उसे वैसे ही स्वीकार कर ले। क्यों बाध्यता है? बाध्यता इसलिए है कि समाज ने, हमारी परवरिश ने, हमारी एजुकेशन ने उसे उससे ज्यादा सहज और सरल होना नहीं सिखाया। चालाक होना तो सिखाया, लेकिन सहज और सरल का कंपटीशन कभी नहीं कराया, चालाक होने का कंपटीशन सदैव कराया। इसलिए वो व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार ही नहीं था कि दूसरा व्यक्ति इतने सहज और सरल भाव से आएगा तो मैं उससे ज्यादा सहज और सरल बनूं, तभी उसे नकारा जा सकता था, तभी उसे मना किया जा सकता था। लेकिन उसके लिए जब तैयार नहीं था तो उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ता है जैसे वो आया है। हाँ, अगर वो चालाक बनेगा, अगर वो समर्पण का नाटक करेगा तो दूसरा व्यक्ति निश्चित रूप से उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसकी प्रैक्टिस में है, वो जितना चालाक बन रहा है उससे ज्यादा चालाक बनेगा। इसलिए सामाजिक क्षेत्र में अगर समर्पण की भाषा है तो, परिभाषा है तो वो ये है कि हम सहज और सरल भाव से
प्रस्तुत हो जाए, और सहज और सरल भाव से अगर प्रस्तुत हो रहे हैं तो क्या अर्थ है इसका? सहज और सरल से प्रस्तुत होने का अर्थ यह है कि जो भी हमारी सामर्थ्य है, जो भी हमारा ज्ञान है, जो भी हमारी बुद्धि है, जो भी बल है, वो उसमें कुछ लुकाव छिपाव नहीं करना, संपूर्ण प्रस्तुत करना। वो संपूर्ण प्रस्तुतिकरण के साथ ही पेश होना। अगर अंश मात्र भी हमने उसमें से रख के समर्पण की बात की तो वो समर्पण नहीं कहा जा सकता है, वो सहज और सरल भाव नहीं कहा जा सकता। इसलिए हमारे पास जो भी है, जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारा बल है, जो हमारी बुद्धि है, जो भी कुछ हमारे पास है, वो संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करना है। कहां प्रस्तुत करना है? किसी व्यक्ति के सामने तभी समर्पण कहलाया जाए? नहीं, उस सारे सामाजिक समर्पण का अर्थ यह है कि हम, हमारा जो कार्य है, जो हमारा पेशा है, जो हमारा धर्म है, जो हमें करना है, जो किए जाने के लिए हमें दिया गया है, जो सौंपा गया है, जो कर्तव्य हमारा बताया गया है, जो जिम्मेदारी हमारी दी गई है, उसके प्रति भी वैसा ही भाव होना चाहिए। सामाजिक रूप में वही समर्पण हो सकता है। आपके मन में जरूर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि शिक्षक और शिक्षा से इसका क्या लेना है, क्योंकि हमारे जितने भी टॉपिक हैं वो सब शिक्षक और शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। बिल्कुल रिलेटेड, 100% रिलेटेड, और हम उस पर विस्तृत चर्चा भी आपके साथ करें। आज तक आपने खूब कहानियां पढ़ी होंगी, आपने कहानी पढ़ी होगी कि बहुत सारे शिष्य गुरुओं को समर्पित हो गए, उनके सामने संपूर्ण समर्पण। अरुणी का एक उदाहरण आता है। अरुणी एक शिष्य थे गुरु के, जनवरी का महीना, ठंड का महीना, नहर का पानी जा रहा था खेतों में, बहुत सारी जगह सिंचाई की व्यवस्था नहरों से है, नहरों का बहुत ठंडा पानी होता है, वो खेतों में जा रहा था। गुरुजी ने कहा जरा देख के आओ कहीं पानी टूट तो नहीं गया, कहीं इधर उधर वेस्ट तो नहीं हो रहा है पानी। अरुणी ने देखा एक जगह कि वो जो नाली बनती है, जो खेत नहर से और खेत के बीच में होती है, जिसमें पानी आता है, वो एक जगह टूट गया। उसने बहुत प्रयास किया, हर बार जब मिट्टी डालता था फावड़े से जब मिट्टी डालता था तो मिट्टी बह जाती थी। उसने बहुत प्रयास किया कि वो रुक जाए, लेकिन वो नहीं रुका। अरुणी ने उसे रोकने का एक ही उपाय उसे सूझा कि वो खुद उस नाली की एक मेंड बन के लेट गया, और जब तक गुरुजी को पता चला, उन्होंने उसे ढूंढवाना शुरू किया, तब तक उस ठंडे पानी में मेंड बना हुआ अरुणी पड़ा। ऐसे ऐसे समर्पण किए हैं बहुत सारे शिष्यों ने, बहुत सारी कहानियां, इतिहास भरा पड़ा है। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या गुरु भी समर्पण भाव से शिष्य के सामने प्रस्तुत हुए? निश्चित रूप से हुए। मैं उनके भी उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भी समर्पण भाव से अर्जुन के सामने प्रस्तुत हुए, सहज और सरल भाव से। उनके पास जो था सब अर्जुन को दे दिया। अपने पुत्र को वो नहीं दे पाए उतना जितना अर्जुन को दे दिया। क्यों दे दिया? पुत्र से तो बहुत मोह था उन्हें, पुत्र से तो इतना मोह था कि पुत्र के कारण ही तो उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन पुत्र को वो सब कुछ क्यों नहीं दिया जो अर्जुन को दे दिया? अर्जुन के सामने तो समर्पित हो गए, उसकी भक्ति ऐसी थी, उसका भाव ऐसा था। शिष्य समर्पित नहीं हुआ बल्कि गुरु भी समर्पित। उसके पास जो था सब अर्जुन को दे दिया।
इसी का नाम तो समर्पण है। और क्या समर्पण? हमने अभी बताया कि आपके पास जो है जैसा है वो सब दूसरे के चरणों में रख दो, दूसरे के लिए उसे उपस्थित कर दो। द्रोणाचार्य ने भी वही किया। दूसरा उदाहरण परमहंस की बात कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास जो था वो सब विवेकानंद को बांट दिया, दे दिया। विवेकानंद संपूर्ण समर्पण के साथ गुरु के चरणों में थे या नहीं थे अलग मसला है। हो सकता है कि शुरू में वो संपूर्ण समर्पण के साथ परमहंस के आश्रम में नहीं पहुंचे, या शुरू में गुरु पे उतना विश्वास नहीं किया, लेकिन अंततः तो उनका एक कोटेशन ये बताती है कि वो संपूर्ण गुरु के चरणों में। जब अमेरिका में उनका परिचय पूछा गया कि आप अपना परिचय बताएंगे, तो उन्होंने कहा मैं रामकृष्ण परमहंस का एक शिष्य मात्र। इससे ये प्रकट होता है कि उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया परमहंस के साथ। लेकिन परमहंस ने भी संपूर्ण समर्पण किया, सहज और सरल भाव से उनके पास जो था वो सब विवेकानंद को दे दिया। और अगर किसी शिष्य ने समर्पण में गड़बड़ की तो फिर गुरु ने भी गड़बड़ की, क्योंकि तुम्हारी तरफ से पूर्ण समर्पण नहीं है तो दूसरा भी पूर्ण समर्पण कैसे कर। कर्ण और परशुराम जी का उदाहरण। कर्ण ने कुछ छिपा के सहज और सरल भाव नहीं दिखाया, कुछ ना कुछ छिपा लिया, कुछ ना कुछ बचा लिया और गुरु के शरण में जा पहुंचा। लेकिन कुछ ना कुछ बचा लिया तो संपूर्ण समर्पण कहां हुआ? कहीं ना कहीं तो कसर रह गई। इसलिए परशुराम जी ने उन्हें जो शिक्षा दी वो उनके काम नहीं आ पाई, क्योंकि तुम्हारा संपूर्ण समर्पण नहीं था तो गुरु का भी संपूर्ण समर्पण नहीं। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षक भी समर्पण का भाव पैदा कर सकता है सौम्य भी और स्टूडेंट, और कैसे कर सकता है। शिक्षकों के लिए मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं कि कैसे वो इस भाव को उत्पन्न कर सकते। सबसे पहले तो शिक्षक ये स्वीकार करे कि वो समर्थवान है, वो समर्थवान। वो स्वीकार करे कि मैं इस देश का निर्माता हूं, मैं अगली पीढ़ी का निर्माता। उसे अपनी ताकत पे भरोसा होना चाहिए। ताकत ही नहीं होगी, ताकत पे भरोसा ही नहीं होगा तो समर्पण कैसे करेगा। दूसरी बात शिक्षक को यह महसूस होना चाहिए कि केवल और केवल शिष्य के समर्पण से ही आज के युग में काम नहीं चलेगा। वैसे तो किसी भी युग में काम नहीं चलेगा। जिस तरह से एजुकेशन छात्र केंद्रित हुई है, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक का व्यवहार है उसमें भी बदलाव आया है। उस बदलाव के लिए उसे तैयार होना चाहिए। अगर वो इस सब के लिए तैयार हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो समर्पण का भाव पैदा कर सकता है। मैं केवल शिक्षा की बात नहीं कर रहा, मैं और भी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं। सामाजिक क्षेत्र में आप कहीं भी काम करते हैं, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं आप, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कारखाने में काम करते हैं, चाहे वो आप डिफेंस में सिपाही की तरह काम करते हैं, पुलिस में किसी तरह काम करते हैं, आप किसी नर्स का काम करते हैं, किसी डॉक्टर का काम करते हैं, यकीन मानिए कि मैं उस समर्पण की बात कर रहा हूं कि आपको अपने पेशे से संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। आपने अपने पेशे को संपूर्ण समर्पण होना चाहिए, और यही आध्यात्मिकता का रास्ता है।
किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए आध्यात्मिकता या प्रकृति या ईश्वर को पाने का केवल और केवल एक ही रास्ता है कि वो अपने जो पेशा है, जो उसका कर्तव्य है, जो उसे काम मिला है, उसे भरपूर प्यार करे, उसका भरपूर सम्मान करे और उसके पास जो है वो सब कुछ उसे समर्पित कर दे, अपने पेशे को समर्पित कर दे। मैं शिक्षक की बात नहीं कर रहा, शिक्षक को तो ऐसा किए बगैर वो शिक्षक ही नहीं बन सकता, वो गुरु ही नहीं बन सकता, वो समाज को दे ही नहीं सकता, वो समाज का निर्माण नहीं कर सकता। मैं तो सारे लोगों से ये बात संदेश देना चाहता हूं, मैं सारे लोगों को ये बताना चाहता हूं कि सामाजिक समर्पण का अर्थ है, उसका मर्म है कि आपके पास जो है, आपके पास जो बल है, जो बुद्धि है, जो सामर्थ्य है, वो सब कुछ अपने पेशे के लिए आप समर्पित कर दें। निश्चित रूप से पेशा आपको वो सब कुछ देगा, आपका काम वो सब कुछ देगा, जितना प्यार और स्नेह के साथ आपने अपने को समर्पित किया है अपने पेशे को, पेशा उतना ही आपको प्रतिक्रिया देगा, पेशा आपको उतनी ऊंचाइयों और सम्मान पे पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो आज जो हम समर्पण की बात कर रहे थे, हम खासकर शिक्षा में ये बात करना चाहते थे, हम शिक्षकों को एक संदेश देना चाहते थे कि समर्पण शब्द केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं है, समर्पण या संपूर्ण समर्पण आध्यात्मिकता का ही केवल शब्द नहीं है, वो सामाजिकता का भी शब्द है, सामाजिकता में भी उसका अर्थ है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर आपको ईश्वर को प्राप्त करना है, अगर आपको स्वयं को जानना है, आपको प्रकृति को जानना है, आपको समष्टि को पहचानना है, तो निश्चित रूप से संपूर्ण समर्पण के बगैर ये संभव नहीं है कि ये सब कुछ आप प्राप्त कर सकते। लेकिन मैं समाज और सामाजिक व्यक्तियों से भी ये कहना चाहता हूँ, खासकर शिक्षकों से ये कहना चाहता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि हम भी पूर्ण समर्पण के साथ अपने कार्य को करें। अगर हम बहुत सफल जीवन चाहते हैं, हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, हम एक संतुष्ट व्यक्ति बनना चाहते हैं, इसलिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करना चाहता हूँ, उन्हें अपना एक संदेश देना चाहता हूँ कि हे गुरु, गुरुजनों, अगर वास्तव में चाहते हो कि अगली पीढ़ी बहुत अच्छी पीढ़ी निकल के आए, एक ऐसे भाव के साथ पीढ़ी निकल के आए जिसमें एक आत्मीयता पैदा हो, एक मनुष्यता पैदा हो, तो हमें समर्पण का जो भाव है वो गुरु से शुरू करना पड़े। अर्थात गुरु के पास जो भी है वो सब कुछ पूर्ण सहज और सरल भाव से अपने विद्यार्थियों में एक समर्पण भाव से वो पैदा करना पड़ेगा, और वो पैदा हो जाएगा अगर समर्पण का भाव आ जाए। और मैं यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप शुरुआत तो कीजिए, आप सहज और सरल भाव से किसी भी शिष्य के से पेश तो आइए, अपने काम को प्यार करते हुए उसके पूर्ण रूप से उसके प्रति समर्पित तो हो जाइए। आपको जो चाहिए, जो मान चाहिए, जो सम्मान चाहिए, वो सब समाज भी देगा और विद्यार्थी भी देगा, सब देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। जैसा हर बार मैं निवेदन करता हूं, इस बार भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि किसी के भी मन में कोई भी प्रश्न हो हमारे इस टॉपिक से संबंधित, या अन्य जो टॉपिक हो चुके हैं उनसे कोई संबंधित, तो वो निसंकोच हमसे पूछ सकता है, हम उसका आंसर करने का प्रयास करेंगे। और अंत में जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन तमाम शिक्षक, शिक्षाविदों और भाई बहनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस सेशन को ध्यान से सुना, आत्मसात करने की कोशिश की, और आत्मसात किया है तो निश्चित रूप से वो कल बेहतर बनेंगे, वो बेहतर बनेंगे तो समाज बेहतर बनेगा, ये देश बेहतर बनेगा। इस भावना के साथ हम प्रतिदिन आपके साथ होते हैं, इसी भावना, इसी कामना के साथ हम आपके साथ होते हैं। आपने हमें ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आभार।
एक मैडम है उषा जी मैडम, तो वो कह रहे हैं सर प्लीज शेयर योर फोन नंबर। उषा जी, मैं अपना फोन नंबर तो निश्चित रूप से आपको दे दूंगा, आप नोट कर सकते हो, लेकिन मेरा एक नम्र निवेदन है आपसे कि मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है और मैंने अपने तमाम ट्रेनर्स को नाइट में 9 बजे से 10:30 बजे का समय दिया है। उस बीच अगर कोई अननोन नंबर भी आता है तो मैं उसे जरूर रिंग कर लेता हूँ। तो मेरा फोन नंबर तो आप ले सकते हो, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो समय है 9 से 10:30 बजे का, उसी में आप मुझे रिंग करेंगे तो मैं उठा पाऊंगा। आप दिन में रिंग करेंगे तो मैं उठा नहीं पाऊंगा, आपको भी कष्ट होगा और मुझे भी कष्ट होगा। मेरा नंबर है 997-997-111-9487, 997-111-9487। किसका सुनने वाला है? हेलो, हेलो हेलो सर, मैं सूर्य प्रकाश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए सूर्य प्रकाश जी। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बच्चों में यही समर्पण का भाव कराना हो, मतलब जागृत करना हो या उनको सिखाना हो, तो कैसे हम कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसी चीजें आप, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं जिसके कारण से बच्चों में वो मैसेज हम डाल सकें, उन तक वो मैसेज पहुंचा सकें कि हाँ, अगर हम समर्पण का ये भाव रखते हैं या समर्पण करते हैं तो हमें ये फायदे होने वाले हैं। देखो सूर्य प्रकाश जी, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज कही। दरअसल समर्पण शब्द पे जो भी मेरा अध्ययन है और मैंने बहुत सुना है, पढ़ा है, जहां भी समर्पण की बात है वो सब समर्पण ईश्वर के सामने समर्पण की बात करते हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्पण पे बहुत कुछ लोगों ने लिखा है, डिफरेंट वे में लिखा है। उन सबका एक ही अर्थ है कि मनुष्य अपने अहम को छोड़ दे, उसे गिरा दे। अपने अहम को गिरा दे तो ईश्वर उसे प्राप्त हो जाता है। ईश्वर मीन्स समष्टि, ईश्वर मीन्स प्रकृति, अर्थात वो सब कुछ जो हमारे अंदर है, हम स्वयं को जानने में थोड़ा समर्थ हो जाते हैं। वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है अगर हम अपना अहम गिरा दें। अब जो अहम है वो आप अगर महसूस करें तो शिक्षक में एक एड्रेस अहम है, शिक्षक होने का। वो गर्व नहीं है उसमें कि मैं शिक्षक हूं तो मुझे गर्व होना चाहिए, बल्कि एक अहम है कि मैं शिक्षक हूं, इसलिए उसके व्यवहार से वो अहम झलकता है। वो अहम बाधक है शिष्यों तक पहुंचने में, उस अहम को गिराना पड़ेगा शिष्य। इसलिए जब अहम गिरा देगा तो फिर बच्चों से मित्रवत व्यवहार हो जाएगा उसका। मित्र नहीं बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि वो अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अपना मित्र बनाए। मित्र तो वो होता है कि अगर कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो बच्चे से भी मांग ले कि यार तेरे पास पिंटू एक सिगरेट बीड़ी है तो मुझे दे दो। वो मित्रवत मित्र है, वो मित्रवत की बात नहीं कर रहा मैं मित्रवत व्यवहार की बात कर रहा हूँ। मित्रवत व्यवहार का मतलब है कि बच्चे के में जो भाव है, जो जिज्ञासा है बच्चे के अंदर, वो सारी जिज्ञासा शिक्षक के सामने सरल और सहज भाव में वो रखते हैं और शिक्षक उसे समाधान कर दे। वो रख ही नहीं पाता, वो क्यों नहीं रख पाता कि शिक्षक और शिष्य के बीच में जो दूरी है वो बनाए रखी है। वो किसने बनाए रखी है? वो शिक्षक अहम ने बनाए कर रखी है। शिक्षक समर्पण को तैयार नहीं है, और अगर शिक्षक समर्पण को तैयार नहीं है तो इतिहास ये बताता है कि शिक्षक अगर समर्पण को तैयार नहीं है, मीन्स देने को तैयार नहीं है, मीन्स सर्वस्व बांटने को तैयार नहीं है, उसके पास जो कुछ है। मैं शिक्षकों को कैटेगराइज नहीं करना चाहता,
मैं ये नहीं बताना चाहता कि किस शिक्षक के पास क्या है, मैंने तो दूसरी भी बात कही थी आज सेशन कि वो व्यक्ति जिसके पास कुछ है, जिसके पास अहम है, ज्ञान है, ज्ञान होने का भ्रम है, उसे ही गिराने की बात नहीं करते आध्यात्मिक क्षेत्र में, बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति निरीह है, असहाय है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बहुत रुग्ण है, बीमार है, वो भी ईश्वर को समर्पित हो सकता है, वो भी समर्पण स्वीकार करते हैं। तो शिक्षक में जो अहम है ज्ञान होने का, सुपर होने का, वो उसे गिराना पड़ेगा। और अगर उसने वो गिरा दिया तो मैं दावे के साथ, यकीन के साथ आपको कह रहा हूं कि तमाम जितने भी शिष्य हैं आपके, जितने विद्यार्थी शिक्षार्थी हैं, वो सब आपको संपूर्ण समर्पण के साथ आ जाएंगे। लेकिन वो अहम गिराना आसान काम नहीं है, क्योंकि पीढ़ियों को, बहुत सारी पीढ़ियों से वो अहम बनाया गया है, वो पाला गया है, इसलिए उसे अहम को गिराना पड़ेगा। और आज के बहुत सारे देश हैं जिनमें पूरी व्यवस्था बदल दी गई है, जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें बिल्कुल छात्र केंद्रित एजुकेशन बना दी गई है कि छात्र क्या चाहता है, छात्र नहीं, पूरे छात्रों का समूह क्या चाहता है वो नहीं, बल्कि एक छात्र क्या चाहता है, उसमें क्या विशेषता है, उसे ध्यान में रखते हुए उसका शिक्षा होनी चाहिए। वो तभी संभव है जब ये शुरुआत शिक्षक करे। जहां तक एक्टिविटी की बात है, एक्टिविटी की बात यह है कि आप बहुत सारे, कई बार बच्चों में झगड़ा हो जाता है, वो दोनों बच्चे आपके पास आ जाते हैं, उनमें से निश्चित रूप से किसी एक की तो गलती होगी, या एक की थोड़ी ज्यादा होगी कि कम होगी। आप अगर उनमें समझौता करा के सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाने में कामयाब हैं, तो यहां से समर्पण की शुरुआत शुरू हो गई। फिर वो व्यक्ति आज अगर अपने मित्र से माफी मांग लेता है अपनी गलती की, तो यकीन मानिए कि वो पूरे समाज, कल जब शादी होगी तो पत्नी से, अपनी माँ से, अपनी भाई से, बहन से, समाज से, दोस्तों से, गुरु से, सबसे वो समर्पण का भाव पैदा हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो हमारे जीवन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स में क्रिएट होती रहती हैं। अगर वहां ये भाव हम उत्पन्न कर दें बच्चे में, तो उसकी शुरुआत हो सकती है लाइफ में सहज और सरल बने रहने की। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा समाज, हमारी परवरिश, पूरा समाज जो प्रतिद्वंदिता में विश्वास रखता है, जो कंपटीशन में विश्वास रखता है, वो नहीं सिखाता सहज और सरलता, वो कंपटीशन लड़ना सिखाता है। और शिक्षक भी करीब करीब वही काम कर रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उसके लिए तालियां बजवाते हैं, और जिसके सबसे कम मार्क्स आते हैं उसे धुतकारा जाता है। कभी ये नहीं देखा जाता है कि जिसके कम से कम मार्क्स आए क्या वो कबड्डी अच्छी खेल सकता है, वो रेस ज्यादा बेहतर कर सकता है, उसकी पेंटिंग अच्छी है, उसे उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। और जब ध्यान नहीं दिया जाता तो जो उसकी कला है जिसे वो लेके आया इस दुनिया में, वो मर जाती, कुंठित हो जाती उसके। अगर वो भी बेशक उसके मार्क्स पढ़ाई में कम आए, लेकिन अगर उसकी पेंटिंग सुंदर है तो उसकी पेंटिंग के लिए भी तो तालियां बजनी चाहिए। हम ये नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षक में कुछ ना कुछ अहम का भाव है शिक्षक होने का, उसे उतारना पड़ेगा। जैसे उतारोगे वैसे ही मित्रवत व्यवहार हो जाएगा, मित्रवत व्यवहार हो जाएगा तो बच्चा अपनी जो भी उसकी क्वालिटी है वो आके आपसे सहज और सरल भाव में बता सकता है, सर मेरी पढ़ने में तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं कबड्डी बहुत अच्छी खेल सकता हूँ, मैं हॉकी बहुत अच्छी खेल सकता हूँ, मैं पेंटिंग बहुत अच्छी बना सकता हूँ, मैं लीडरशिप अच्छी कर सकता हूँ। जब वो बताएगा तो उसके लिए भी तालियां बजेंगी ना फिर, लेकिन वो भय के कारण आपको आके बताता ही नहीं। तो शुरुआत तो शिक्षक को ही करनी पड़ेगी, समर्पण शिक्षक को ही समर्पण भाव दिखाना पड़ेगा, और जब दिखाएगा तो उसका आदर्श बनेगा, तो निश्चित रूप से बच्चों में स्वयं पैदा हो जाए। मेरा ऐसा मत है सूर्य प्रकाश, हो सकता है कुछ लोग सहमत ना हो और ये कहें कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन अगर वो अपने जीवन में उसे उतारने की कोशिश करेंगे तो एक दिन महसूस करेंगे कि ये प्रैक्टिकल है, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। ऐसा मेरा मत है। प्रैक्टिकल तो है सर, लेकिन थोड़ा मुश्किल है।
हाँ लेकिन ठीक करने से किया जा सकता है। बिल्कुल। मुश्किल तो सूर्य प्रकाश जी, मुश्किल तो दुनिया में सब कुछ मुश्किल है। आज आप देखिए ना, आज भारतवर्ष जैसे देश में जहां पूरे विश्व से सबसे ज्यादा नौजवान आज भारतवर्ष में, यह हमारे लिए गर्व की बात। लेकिन शर्म की बात यह है कि पूरे भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान भारतवर्ष। उसके लिए प्रयास नहीं किया जा रहा उस लेवल पे जिस लेवल पे किया जाना चाहिए। मुश्किल काम है। मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, एक बहुत बड़ी संस्था के साथ हूं, बहुत सारे लोगों से बात करने का मिलने का मौका मिलता है। जो उनका दर्द है ना, वो बड़ा कष्ट देता है। बहुत सारे नौजवान, हिंदू पेपर ही कह रहा है कि करीब 20 करोड़ नौजवान भारतवर्ष में बेरोजगार, जिनमें वो डाटा नहीं है जो एनजीओ के साथ लोग काम करते थे, दुकानों पे काम करते थे, जो ऐसी जगह काम करते थे जहां गिनती नहीं की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार। लेकिन अगर मेरा ये मानना है कि उन्हें रोजगार देना कठिन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रयास तो किया जाना चाहिए। इसी तरह मैं शिक्षक को आज ये बात कह रहा हूं कि शिक्षक समर्पित हो, समर्पण भाव से शिक्षा दे, ये आसान काम नहीं है। क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियों से हमें बताया गया है कि शिक्षक सुपर है। मैं भी उसकी जो सुपर है उससे कोई विरोध नहीं है मेरा। मैं तो सदैव कहता हूं कि शिक्षक महान है, इसीलिए मैं शिक्षकों के बीच हूं, रोज शिक्षकों से बात करना चाहता हूं। आज पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों में हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। उस सब का कारण यह है कि हमारा ये मानना है शिक्षक सुपर है, लेकिन हम शिक्षक को और सुपर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं शिक्षक में एक ऐसा सुधार हो कि वो गुरु की श्रेणी में आ जाए, शिक्षक ही ना रहे। शिक्षक से गुरु जब बन जाएगा तो देश बदल जाएगा। तो कठिन तो सब कुछ, बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष, पूरी सामाजिक व्यवस्था बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। लेकिन हम केवल ये सोच के कि कठिन दौर से जो गुजर रही है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो उचित नहीं होगा। लड़ना तो पड़ेगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा, बदलाव की प्रक्रिया में तो उतरना पड़ेगा, परिवर्तन तो स्वीकार करना। अगर हम जैसे ही उसे स्वीकार करते हैं, यकीन मानिए आधी समस्या तो हमारी हल हो जाती है। हमारी आधी समस्या तो इस बात पे कि हम स्वीकार नहीं करते। हम स्वीकार कर लें तो उसी दिन से जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि वो शुरू हो गया। इसलिए सूर्य प्रकाश जी, कठिन तो है, कठिन तो बहुत कुछ, सब कुछ कठिन है, लेकिन हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जी सर, आपका सुझाव बहुत ही अच्छा लगा सर मुझे। मैं इनको उतारने की कोशिश भी करूंगा और आपका कार्यक्रम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आपका कार्यक्रम जो अनुगूंज था वो सबसे अच्छा लगा। वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था सर, उसमें जो मेरी समझ बनी है और तभी से मैं जुड़ पाया हूँ आपसे। पहले मैसेज आते थे तो, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन जब मैं देखा तो उस दिन अनुगूंज का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा आपका। और मैं आपके हर कार्यक्रम को कोशिश करता हूँ कि मैं देख लूँ और उसको उतारने की भी कोशिश करूँगा सर जरूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी। और मैं थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं कि हमने 13 जुलाई से ये शुरुआत की थी और अभी तक हम करीब 30 सेशन दे चुके हैं। और हम प्रतिदिन एक शब्द पर डिस्कशन करते हैं और उस शब्द को शिक्षक तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो 30 सेशन हम ले चुके हैं, करीब 30 घंटे के सेशन हम ले चुके हैं जो YouTube पे अब सब हैं। उसका लिंक है, अगर आप लिंक चाहेंगे तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। कोई भी YouTube पे जाके ZIIEI डालेगा तो श्री अरविंदो सोसाइटी में बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें मेरी भी वीडियोस हैं। और Facebook पे भी आप अगर ZIIEI डालते हैं तो ZIIEI अरविंदो सोसाइटी, श्री अरविंदो सोसाइटी आता है, तो उसमें हमारा ये सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप अगर सभी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मेरा हृदय ऐसी बात कहता है कि शिक्षक में स्थापित तमाम शिक्षकों में एक बदलाव शुरू हो जाएगा।
और बहुत डिमांड थी शिक्षकों की, बहुत शिक्षकों का मेरे पे पत्र आते थे, मैसेज आते थे कि सर और JDII और दूसरे प्रोग्राम तो ठीक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि श्री अरविंदो सोसाइटी जो मानवीय मूल्य हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, उन पर एक सेशन शुरू करें। तो ये जिम्मा मैंने स्वयं अपने जिम्मे लिया और मैंने महसूस किया कि मैं ये तमाम कोशिश करूंगा और प्रतिदिन कुछ ना कुछ आधा घंटा बोलने का प्रयास करूंगा। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोगों में बदलाव आ रहा है, ये मेरे लिए और सोसाइटी के लिए एक सौभाग्य की बात है और मैं हृदय से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ कि आप समय निकालते हैं हमें सुनने के लिए और अगर उसे अपने जीवन में जरा भी आप कुछ अंश भर भी आत्मसात करते हैं और कुछ परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से उसका देश हित होगा, और देश हित होगा तो वही तो हमारा लक्ष्य, वही हमारा स्वप्न है कि हम शिक्षकों के द्वारा इस देश को बदल सकें। हमारा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है, हमारा समय हो गया है, इसलिए मैं हृदय से आप सब लोगों का, जो हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन हमसे जुड़ते हैं, उन सबका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि लोग हमसे जुड़े रहेंगे और जो भी हम संदेश आप तक पहुँचाना चाहते हैं उस संदेश को ग्रहण करेंगे, बेहतर बनेंगे, अगली पीढ़ी को बेहतर बनाएंगे और इस देश को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद, आभार।